वेलकम वेलकम जूनियर्स रात एक दफा फिर आज सुबह विद अली सलमान। और आपने बीच में भी देखा होगा कि हमने एक छोटी सी ननी सी क्लिप आपको दिखाई थी, जिसको हम टेक्निकल जबान में कहते हैं भंड, जहाँ पर एक IFP डिवाइस होती है जो मेरे कान में आवाज़ आती है, हम लगा रहे थे। वी वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड देयर काइंड ऑफ चैलेंजेस जो हमारे प्रोफेशन में भी हैं। जाने से पहले हम फौजिया वहाब साहब से बात कर रहे थे, फाइनली अंडा आ चुका है। उन्होंने मुझसे ब्रेक में सवाल किया तो अंडा क्यों नहीं खा रहे, मैं कहा मैं जब इनका नमक खा लूंगा तो फिर मुझे ये जो ऑर्डर देंगे तो आई कैन नॉट से नो, सो आई अवॉइड इट टिल द शो फिनिश। After the show, unders are all mine. एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ कराची से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनवर ज़हीर साहब, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया जी। बस मुझे थोड़ा सा जो है, चूंकि आज आपके प्रोग्राम में फौजे वहाब साहिबा है, तो एक चीज याद रखिये की आवाम की जो बेसिक नीड्स है, पानी, बिजली, गैस और एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आप उनको वो दें वो आपके मुरीद हो जाएंगे। जैसा आपने कहा कि अवाम जो है वो हमारा साथ नहीं देते, एक चीज। दूसरा, VIP कल्चर को मिनिमाइज करें, अगर खत्म नहीं कर सकते तो उसको कम से कम करें। और आखिर में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो आप लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं उनके ओपन टेंडर करें, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि आपके ऊपर से करप्शन का इल्जाम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आज के लिए बस यही फोकस है, इन्हीं का जवाब दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर अनवर ज़हीर एक हमारे शो के रेगुलर कॉलर हैं और उन्होंने तीन सवाल किए। उन्होंने कहा कि जी आप आवाम को सहूलियात दीजिए, VIP कल्चर को ख़त्म कीजिए, एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट आई एग्री अपॉन इज़ कि आपके ऊपर जो आप प्रोजेक्ट्स करते हैं आप उनको नेशनल प्रोजेक्ट्स को इंटरनेशनली हाईलाइट कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे पे सिर्फ करप्शन का इल्ज़ाम लगता है। वी शुड हाईलाइट व्हाट वी हैव अचीव्ड एज अ गवर्नमेंट एंड एज अ नेशन आल्सो। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड एडवाइस, सजेशन, एब्सोल्युटली। और यही बात मैं आपको बताऊं, अभी मेरी नेस्ले पाकिस्तान के जो स्विस CEO हैं उनसे मुलाकात हुई, तो कहने लगे कि आपके मुल्क में इतना कुछ हो रहा है, आप लोग रोड शोज क्यों नहीं करते? एब्सोल्युटली, आप लोगों को चाहिए आप मुल्क से बाहर जाएं और इतना आप लोगों को डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो प्राइवेट मीडिया ने जो हमारा इमेज बनाया है वो हमारे लिए बहुत बड़ा हिंड्रेंस बन जाता है। मेरा बेटा जो है वो ख़ुद इन्वेस्टमेंट बैंकर है और वहाँ दुबई में होता है, उसने बताया कि एक प्रोजेक्ट इन लोगों ने तैयार किया था $300 मिलियन का। ओके। और बड़ी कह लगे कि बड़ी मेहनत से वो पूरा हमने उस प्रोजेक्ट को तैयार किया, बट देन एट द लास्ट मिनट इट वाज वीटोड कि जी आपके मुल्क में इतनी इंस्टेबिलिटी है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड आवर मनी देयर। ये एक बात हुई। अच्छा, कमिंग बैक टू द जेंटलमैन हु वाज फ्रॉम स्विट्जरलैंड हु इज हेडिंग नेस्ले पाकिस्तान, वो कहता है कि जितना प्रॉफिट हम यहाँ इस मुल्क में कमा रहे हैं हम कहीं नहीं कमा रहे हैं। ये तो लम्हा फिक्र है हमारे लिए। और कह रहा है कि आपकी जो इकोनॉमी है इतनी उसके अंदर गुंजाइश है कारोबार करने की और कारोबार में वसत लाने की, जिसमें बेनिफिट ना सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको है बल्कि पाकिस्तान के लोगों को है, एम्प्लॉयमेंट भी है और प्लस एक नई चीज़ भी है ना मार्केट में आ रही है। तो बदकिस्मती से वही बात है ना कि हम अच्छी चीज़ों को नहीं हाईलाइट करते हैं, हम हर वक्त बुरी चीज़ों को हाईलाइट कर रहे होते हैं। कहीं किसी मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया तो उसकी हम ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहे होते हैं, देवर जेठानी में झगड़ा हो गया उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे होते हैं, भला बताइए। अच्छा ये बताएं, आपने जो बात की सुई साहब जो बता रहे थे कि हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटी है, तो हम उनको कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दें? फॉर एग्जांपल लुक एट UAE, अब आप दुबई का जो एक्सपेंशन देखें, दे कॉल्ड इन टेक्नोक्रेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे गेव देम एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, दे गेव देम ऑल द फैसिलिटीज एंड दे सेड जस्ट डू इट। इसके ऊपर लेकिन कॉलर लाइन पे मैं आपको और कॉलर्स के दरमियान एक ब्रिज बनना चाह रहा हूँ। और चीज याद रखिए, $80 बिलियन की डिफॉल्ट की है उन्होंने। अल्लाह का शुक्र है उसपे कभी गुरूर नहीं किया उन्होंने वैसे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अगर सवाल कर सकता हूँ? जी आप सवाल कीजिए। सवाल है इस ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस का, आप सवाल करें, ये पीऊंगा मैं। वो तो आप ही का है, उस पर तो मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। बात यह है कि मैं फौजिया वहाब से बात करना चाहता हूँ। ये एक ऐसी पॉलिटिशियन है जो कि बहुत ही बाखलाक और बहुत बातमीज किस्म की पॉलिटिशियन है। एब्सोल्युटली ठीक है, और जब भी इनके शोज में देखता हूँ तो वो अच्छे लगते हैं। अच्छा, इनसे मैं एक बात करना चाहता हूँ। अभी इन्होंने कहा
कि आवाम जो हैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते और टैक्स देना नहीं चाहते या देते नहीं हैं। इनको एक बात मैं कहना ये चाहता हूँ कि 18 करोड़ के हमारी आबादी है अकॉर्डिंग टू मतलब गवर्नमेंट के, हालांकि शायद इससे ज़्यादा ही है। तो अब ये देखिए कि पेट्रोल गैस इन चीज़ों को माइनस करके हर आदमी, चाहे वो एक दिन का बच्चा है या एक घंटे का बच्चा है, वो 800 रुपये महीना टैक्स दे रहा है। यानी 16% जो GST इन्होंने लगाई है या पहले से लगी हुई है जी, वो 800 रुपये हर आदमी पाकिस्तान का टैक्स दे रहा है। वो चाय की पत्ती खरीदता है उस पर भी देता है, बच्चे का पैंपर खरीदता है उस पर भी देता है, दूध खरीदता है उस पर भी देता है। वो ये मैं माइनस कर रहा हूँ पेट्रोल और गैस से, ये वो खरीदने वालों को शुमार ही नहीं कर रहा हूँ मैं, इनकम टैक्स शुमार ही नहीं कर रहा हूँ। उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 करोड़ से, और ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग टैक्स नहीं देते। लेकिन बात यह है कि उनको आप क्या फैसिलिटी देते हैं इस 800 रुपए महीना के एवज, आप क्या उनको अकोमोडेट करते हैं, एजुकेशन देते हैं, हेल्थ। ओके अली, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी फजी जी, ये अली साहब थे, इन्होंने पहले तो आपकी बहुत तारीफ की, इन्होंने कहा कि देयर आर वेरी फ्यू, नहीं, देयर आर वेरी फ्यू पॉलिटिशियंस हु आर सो वेल स्पोकन, बाखलाक हैं और बहुत लॉजिकल बात करती है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये बोला कि बच्चा एक घंटे का हो या एक हफ्ते का हो या एक महीने का हो या कोई भी हो, एट एन एवरेज 18 करोड़ लोगों में 800 रुपया पर मंथ टैक्स वो दे रहा है इन एनी फॉर्म, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने आपका सवाल लिया कि वो टैक्स नहीं देते। तो आई थिंक ही इज़ गेटिंग इन टू स्टेटिस्टिक्स हेयर, और मैं चाहता नहीं कि मॉर्निंग शो पर आप स्टैट्स के ऊपर आंसर करें, बट आई वुड सिंसियरली वॉन्ट कि आप किसी भी सीरियस शो में बैठे हों तो टैक्स को ज़रा एलोबोरेट करके अपनी पूरी जो आपकी कैबिनेट में जो इससे रिलेटेड लोग हैं, फाइनेंस से हैं, दे शुड कम एंड दे शुड प्रेजेंट एंड मोटिवेट पीपल के टैक्स की किस फॉर्मेट में किस तरह से इनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सुना है कि आपको गाना सुनने से बहुत दिलचस्पी है, हाँ, पाकिस्तान का सबसे बेसुरा गुलूकार कौन सा है? आप तो ऐसे सोच रही जैसे मतलब एक आधा है। नहीं, हमारे यहाँ बड़े सुर वाले, नहीं मुझे सुर वालों को तो पता है, वो तो गिनती के हैं ना आप, गिनती के नहीं, बेसुरा बताइए। राहत फतेह अली खान कौन है? सुर वाले? अब मैं अंडा खाऊंगा। शहजाद रॉय कौन है? नहीं, मुझे बेसुरों का, अच्छा, मुझे अली जफर देखो कौन है? नहीं, अब आप बेसुर देखो, अली जफर बेसुरा नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद कौन है हमारा बेसुरा? उसको देखो, क्या नाम है वो लड़का जो है, आतिफ असलम, कमाल की आवाज है, क्या बात है उसकी। आरिफ लोहार साहब का जिक्र नहीं किया आपने? डिजाइनर धोती पहनते जॉगिंग करें, आवाज देखें कमाल कर रहे हैं। हाँ, वहाँ कुछ है, है? क्या नाम है, शायदा मिन्नी जी के बारे में भी बात नहीं की आपने? नहीं, शायदा मिन्नी की आवाज अच्छी है। अच्छी है, अच्छी है। फिर उन्होंने गाना गाने के बारे में नहीं सोचा था? उसने मेरे ख्याल में तवज्जो नहीं दी होगी, उसको उसको डेवलप नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, बट शी हैज पोटेंशियल। अच्छा, हमारे जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर साहब हैं, उस दिन वो शो में बैठ के शिकायत कर रहे थे कि एक ज़माना था फसलों में अच्छी वजन की हीरोइंस आती थी, गोडी हो जाती थी। अब वो, हमने उनसे सवाल पूछा कि जी ये बताएं कि डीजल की जो कंजम्पशन को रिड्यूस कैसे किया जाए, उनका ट्रैक्टर चलने कम हो जाए, तो हमने कहा उसको कैसे करें? उन्होंने कहा आप फिल्मों में बड़े साइज की हीरोइंस लेकर आए। मैं कह, ये क्या लॉजिक है? कहते फसल की ऑटोमेटिक गोडी हो जाती है, मतलब इज इट राइट? कौन था, नजर गोंदल साहब? नहीं, देखिए नाम, मैंने अपने घर वापस जाना, मैं नाम नहीं ले सकता। देखें, is it right? ऐसा होता था? अच्छा, फिल्मों के ऊपर आ जाते हैं। आपने कभी हमारी हीरोइनें जो कैसे फुदकती थी और उछलती कूदती, उस वजन के साथ फुदकना आसान नहीं है, कमाल है भाई, है ना? उस जमाने में आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी थी? मेरी पाकिस्तानी हीरोइनों में फेवरेट हीरोइन जो थी संगीता, संगीता जी थी। और चाइनीज हीरोइंस में? मैं नहीं जानती किसी चाइनीज हीरोइन को। अच्छा, बट अब हमें इनफैक्ट अभी अपने आप को एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा विद दिस, यू नो क्या बोलते हैं, स्लिटी लुक, क्योंकि ये अब तक हमारे पास इसका हुसन का मियार अभी हमारे पास नहीं बना है ना। एब्सोल्युटली, आई थिंक अभी तक तो हम अपने हिंदुस्तानी पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि जी बड़ी आँखें, सुतवा नाक, बारीक होंठ, फिर उसके बाद हमने देखा कि वहाँ मगरिब में जो मियार है वो कुछ और निकला कि हाई चीक बोन्स,
ब्रॉड लिप्स एंड थैंक यू मैं खाजी नजर आप ब्रेक लेते हैं मैं थोड़ा सा विल सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक. हमने अभी फौजिया जी से बहुत और इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं. हमने पीस बना ली हुई है. अब आप देखें कि ब्रेक के बाद फौजिया जी हमें बताएंगी. अभी तक इन्होंने बेसुरे वाले गुलूकार का जवाब नहीं दिया. सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक विद पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन इन आर डीजल कंजप्शन ऑन द फसल्स फॉर द गोडी.